दैट इज कैरेक्टर रोल है माई बेबी बिकॉज मैंने तीन साल का सब बैटे कर लिया था तो ये कम बैक आसान था आपके लिए हाँ इट वॉज इन सो डिफिकल्ट इट वॉज जस्ट दैट डोरिंग दैट टाइम वन आई वेन बैक टू देहरादून

नी वन आप जितना भी बोलोगे इट इज नॉट ईजी क्या ये नहीं कर रहे थे हम लोग जैसे सब लोग साथ में बैठ के गप्पे मारते थे वो बहुत रेयरली बैठता था हमारे बैठता था बट बहुत रेयरली अगर मेरे मीटिंग है जिसमें सब एक्टर्स आए हैं जिसमें अनिता जी हुन हुनियर एक्टर अनिता राज जिनको हमने फिल्मों में देखा है वो जब वहाँ पर विद हम्बलनेस विद ह्यूमिलिटी, शी कैन कम एंड सिट एंड बी अटेंटिव कि मेरे प्रोड्यूसर वहाँ पर कुछ मीटिंग रखी है वो बात करना चाहते हैं यू नो टू हेल्प अस टू गाइड अस एंड कैसे हम इसको और अच्छा करें तो वी हैव टू बी ऑल इयर्स टू हिम ना अब मैं वहाँ जाके अपने एयरपोर्ट में ऐसे रहूँ और यूँ देखूँ इमीजिएटली शोज दैट आई एम डिसटेड सो so, ये तो नहीं कर सकता कोई इंसान दिस इज़ नॉट गुड कॉन्डक्ट फॉर एनी बडी फॉर एनी वन एंड ओब्वियसली द प्रोड्यूसर इज गोट अ फील दैट यू नो वॉट इज दिस आई डोंट नो वाई ही सेज दैट देर नॉट टूगैदर ऑफकोर्स देर टुगेदर राजन सेट दिस कि मेरे uh, यहाँ पर अगर आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं तो नो वरीज वील वर्क ऑन दैट बट अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं देन दैट्स नॉट राइट दैट इज नॉट वर्क फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस अपनापन मज़ेदार अनुभव दोस्ती बिकॉज मैं सिद्धार्थ को काफ़ी समय से जानती हूँ एंड uh, हालांकि हम इतना मिलते नहीं हैं और अभी भी शायद सालों के बाद मिले हैं लेकिन uh, उतनी ही शिद्दत से उतनी ही खुशी से उतनी ही जोश से मिले हैं उतने ही प्यार से मिले हैं जैसे मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से पहले मिले थे बट एंड uh, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यू कैन बी योर सेल्फ इन हिज शो आपको प्रटेंड नहीं करना है आपको आप आप अपने आप हो सकते हो अपने साथ हो सकते हो सिद्धार्थ के साथ इस शो में सो दैट इज़ वर आई फेल प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कर्न्ज यूट्यूब चैनल नाउ देहरादून की लड़की और मुंबई में छा रही है हाँ पहाड़ों से आकर समुद्र में सोचो पहाड़ों को मिस करती हैं आप बहुत ज्यादा बिकॉज अब पले बड़े देहरादून में पैदाइशी वहीं की है स्कूल सब कुछ कॉलेज वहीं किया है क्या श्रुति को हमेशा लाइफ में सब कुछ चाहिए था सब कुछ का डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है आपका हाँ, क्या है मेरे लिए है कि आ, मैं खुश रहूं मैं स्वस्थ रहूं

आप कॉलेज में थी आपने कॉलेज हाँ छोड़ दिया क्योंकि आप परिवार से दूर नहीं रह पा रही थी हाँ मैं देहरादून में थी देहरादून में स्कूलिंग हुई देहरादून में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं सो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे थे पढ़ने के लिए तो मैंने ज़िद कर दी कि मैं मेरे को भी दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए तो सब जा रहे थे तो मैंने बोला मैं जाती हूँ मैं गई वहाँ पर लेकिन बट मैं कॉपी नहीं कर पाई एंड बोले नहीं मुझे तो घर जाना है मुझे माँ की याद आ रही है <laughs> मुझे घर जाना है और मैं डेढ़ दो महीने में आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड बिंदु हु ऑफकोर्स डिन नॉट गो उसको मैंने फ़ोन किया हेलो कॉलेज में एडमिशन अभी रहे She said, हो रहे हैं शी सर हाँ हो रहे हैं मतलब okay, ओके घर जाओ फोटो ले मेरी फॉर्म भर कर दे बस मैं आ रही हूँ सो थ्रिल्ड दैट आई वेट एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बिकॉज इतना सुंदर स्कूल एक स्कूल है कॉलेज है एम के पी अब यहाँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ भी जूनियर कॉलेज बोलते हैं लेकिन वहाँ तो वो स्कूल ही होता है इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन से कॉलेज कहलाया जाता है नॉर्थ में तो ये 1997 में जब आपने दिल तो पागल है किया था प्रॉपर प्रॉपर वी वीवर दिस थिएटर के बच्चे नहीं थे जो आ, वो उस 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 ग्रुप में थी मैं तो आई रिमेम्बर मुझे सर दो महीने हुए थे आए बॉम्बे सो संजय भैया वॉज़ फ्रॉम एन एज डी सो ही न्यू आलोक जी माई हजबेंड तो ही सेट कि वो मेरे फ्रेंड हैं समीर शर्मा एंड ही इज़ असिस्टिंग आदित्य चोपड़ा एंड वो लोग ना ग्रुप चाहते हैं यंग यंग बच्चों का तो आई वॉज जस्ट नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड जिस यू आप जाओगे करने बिकॉज आई वॉज आई हेड ऑलरेडी साइन थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है और एक और शो मैं कर रही थी

सो दिस वॉज़ इट तो जब हमारी डबिंग आई ना हम इतने खुश हुए सबके साथ सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैं आई वॉज माधुरी दीक्षित की फैन थी मैं हमेशा से एंड शाहरुख खान यू नो वॉचिंग दैम करिश्मा कपूर यश जी आदित्य चोपड़ा वॉचिंग ऑल ऑफ देम एक छोटी सी लड़की आई है देहरादून से जिसको कुछ नहीं पता सो एवरी थिंग वॉज आइक दिस यू नो ऐसे मैं ऐसे देखती थी सब कुछ कैसे हो जाएगी रहे। बड़ा मज़ा आता था सो सो आई सॉ आई लर्न एंड पीपल सॉ माई वर्क और मुझे काम के बाद मेरा काम देख के और काम मिल गया काम देख के और काम मिल गया और um, मुझे अच्छा लगने लगा आई लव दिस पार्ट ऑफ माइंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए सिद्धार्थ ये था कि आई हैव टू कीप माइस आइंटिटी आई डोंट हैव टू लूज दैट श्रुति यू नो बिकॉज बंबई का चका चौंद उस समय बॉम्बे हुआ करता था मुंबई नहीं था तो और नए नए चैनल्स उस समय जो जी सोनी उसी समय अपकमिंग चैनल्स थे स्टार प्लस तो था ही नहीं स्टार वर्ल्ड आता था जहाँ पे इंग्लिश सीरीज वगैरह आती थी एंड तो आई वाज लाइक लॉट ऑफ़ पीपल टोल्ड मी वाई यू डूइंग टेलीविजन कैरेंटू फिल्म आपकी हिंदी अच्छी है आप सुंदर दिखते हो आप इतना अच्छी का, अच्छा काम करते हो क्यों कर रहे हो ऐसे क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे जाना है वहाँ पर तो ठीक है ना इट्स ओके और वैसे भी मैं कुछ समय के लिए और फिर मैं वापस देहरादून चली जाऊँगी यू नो दैट्स वॉर द होल थिंग वॉज तो आलू जी और मेरा यही था कि थोड़े समय के लिए काम करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद हम अपना देहरादून जाएंगे थिएटर करेंगे यू नो बिल एक छोटा सा थिएटर स्पेस बिल्ड करेंगे वहीं पर वर्कशॉप्स करेंगे एंड आई हैव किड्स एंड सो जनसोवान दैट वाज द होल थिंग ये पता ही नहीं था कि भाई ये दौर जो है या ये जो ये जो रास्ता जो मैंने चुना है उस पर मैं चलती ही चली जाऊँगी चलती ही चली जाऊंगी और अभी भी चली रही हूँ और खुश हूँ बिहाइंड द सीन्स बताओ ना शाहरुख माधवी hmm. करिश्मा के साथ yeah. कुछ हुआ होगा जो आपके साथ जिसने आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ कुछ है इंसिडेंट? um, uh, नहीं ऐसा तो नहीं है बट यस yes, uh, 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 मुझे सीखने को मिला कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क करना पेज बिकॉज आई सॉ देम वर्किंग सो हार्ड ऑल ऑफ देम थ्री ऑफ देम और उसमें तो बहुत सारे uh, गाने थे बहुत hmm. सारे डांस सीक्वेंसेस थे जो शामक डावर कर रहे थे उस समय तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अद्भुत थी ऐसा कभी देखा नहीं था सो एंड देन आई वॉज वर्किंग अंडर द बिगेस्ट बैनर अगर देखा जाए तो यशराज फिल्म और uh, तो यही था कि यस थिंग्स कैन गो वेल विद यू अगर आपके अंदर वो जोश है अगर आप होश में हैं आप के अंदर यू uh, नो you know, लगन है काम करने की और आप मगन हो के वो काम करते हैं खुश हो के काम करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है देखो किस्मत तो आप नहीं तय करते हैं लेकिन आप अपना जो रास्ता है उसका प्रोसेस है यू you नो know, वो तो आप आपके हाथ में है कि आप में, उन तीनों में से किसी ने आपके साथ इंटरेक्ट किया कि नहीं किया हाँ डिड वेरी मच फैक्ट आई रिमेंबर जब मैं पहली बार माधुरी जी से मिली थी साज लाइक मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कैसे बोलूँ बट सो स्वीट एंड शी मैन नेक्स्ट डे शिक ना ऐसे हक किया एंड मैं तो अब तो मैं गाल भी नहीं धोंगी अब तो मैं नहाऊंगी भी नहीं देट कैन थिंक बट शी वॉज सो ब्यूटिफुल शी वुड कम एन टॉक टू ऑल अवर्स हम लोग छः लोग थे हमसे बातें करती थी व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है आई यू गेटिंग मो वर्क एवरीथिंग वेल यू नो कीप ऑन वर्किंग हार्ड सो शी वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड शारू कल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद अस थोड़ा बहुत इधर उधर एंड बट uh, क्या होता है उस समय मैं नई भी थी ना तो थोड़ा एक शाई भी थी mm. मैं हाउ डू यू नो हाउ डू यू डू दिस हाउ डू आई अप्रोच दैम सो वो सब भी था बट आई थिंक इट वॉज़ अग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मुझे जो भाषा है आपके मूवी uh, मेकिंग uh, की या बिहड द सीन्स की या जिस तरीके से मुझे परफॉर्म uh, करना है वो सब मैं सीखी वहाँ से एंड वो सब मुझे फिर बाद में जाकर ऑफकोर्स हेल्प किया जब मैंने पहला ऐड किया था इन दिल्ली में सिद्धार्थ बासु बिकॉज आलोक जी ने काफ़ी सिद्धार्थ बासु के साथ काम किया था वहाँ पे एक शो आता था बहुत कमाल का बिकॉज आलोक जी वी यूज़ टू वर्क एट द टी आई ऑफ एन एस डी यू नो थिएटर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ ड्रामा सो दे यूज़ टू डू दिस किट जहाँ पे सौरभ शुक्ला ये सब लोग होते थे तो ही न्यू मनोज भैया आशुतोष भैया एवरीबडी सो जब जब मैं यहाँ आई तो ही इंट्रोड्यूस में कि ओके श्रुति इज़ देर आई डिड अ प्ले अर्चना पूरन सिंह सो दैट प्ले इन देर अदोन बिकॉज अर्चना ब्रदर संदीप भैया इज़ अलोक जी इज़ फ्रेंड सो शीज वाइडा श्रुति छुट्टी तो उसको लेकर आओ बॉम्बे सिर्फ वी डोंट नो ऐसे जाते हैं चलो अच्छा छुट्टी के लिए आते हैं देखते क्या होता है अभी तो शादी हुई है आई मैरिड वेरी यंग नाइनटीन सो so then we came we met archana we met bitu and they were very helpful they helped us they guided us ओके गोदेर मीट दीज पीपल ये सब सब कुछ हुआ विद आशु आशुतोष भैया एंड मनोज भैया आई वेंट ऑन द सेट्स वो स्वाभिमान कर रहे थे उस समय सो मैं फिल्म सिटी पहली बार गई आलोक ने बोला लेके जॉयस को इसको एक्सपीरियंस कराओ एंड आई वेंट और मैं देखा सेट में कैसे होता है वो होता है इट ऑज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मनोज भैया के साथ मैं तमन्ना फिल्म भटसा की वो बना रहे थे जो पूजा वॉज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दैट तो वो मैं देखने गई जूहू मैं कहीं पर आई रिमेंबर

सुप्रिया जो शीज लॉर्ड ऑफ सब टी वी के शोज लेटर ऑन एंड नी सो दैट्स हाउ इट वॉज आई साइन एंड आई वॉज लाइक अच्छा आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट छः हजार रुपये मुझे मिले आई वॉज सो हैपी फिर वो फिल्म में क्या हुआ वो फिल्म नहीं कही बन पाई दुर्भाग्य से बिकॉज आई गेस डेस्टनी डेंट है मी तो वो नहीं बन पाए क्योंकि um, भट साहब ने बोला गुलाम जो है अब विकी डायरेक्ट करेगा सो विक्रम गॉड इन गुलाम एंड आई थिंक पूजा तो वो फिल्म फिर कभी बनी ही नहीं सो so, well, yeah. uh, you know could be but, matlab agar ho jata to कितनी सारी चीज़ें हो जाती बट देन उसके बाद भी आई डिट अ फिल्म कॉल सर आंखों पर विद विवेक वासानी एज द प्रोड्यूसर वे ही चेंजड माई नेम इन टू अनुष्का दैट टाइम एंड इट वॉज अ फिल्म विद मुकुल देव एंड अनुज एंड माई सेल्फ अनुज सोनी अनुज सक्सेना एंड उसमें इट वॉज़ या शाहरुख ने इन फैक्ट उसमें शुरू का कुछ किया था दिलीप जोशी वज़ देयर इन एट सो इट वॉज अ स्टोरी अबाउट जूनियर आर्टिस्ट एंड अ बटिंग यंग एक्ट्रेस हु कम्स टू बॉम्बे भाग के आ गई है एंड उसका बेटा है जूनियर आर्टिस्ट का हु doesn't लाइक like कि मेरे पापा जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हैं एंड ऑल दैट एंड हाउ वी बॉन्ड टूगेदर एंड हाउ ही हेल्प्स मी फॉर फिल्म एंड स्टफ लाइक दैट सो दैट्स हाउ यर आई गेट अ फिल्म एंड मुकुल देव इज़ प्लेइंग मुकुल देव सो आई आई एम ऑपोजिट हिम ऐसा था सारा ब्यूटिफुल फिल्म सो बट वही है ना देखिए जो आपके लिए होना होता है वही होता है सो प्रॉबली इट वॉज एन मेंट फोर मी आफ्टर आई डि ड फिल्म कॉल गफला फॉर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल समीर हान चाटे और गफला जो थी वो पहली फिल्म थी जो हंसल अपना हर्षद मेहता के ऊपर बेस थी द फर्स्ट कैम मूवी येस द फर्स्ट कैम मूवी वॉज गफला एंड वेरी ब्यूटिफुली डिरेक्टेड ब्यूटीफुल आई वॉज द हिरोइन इट बहुत सुंदर रोल था मेरा एंड बट वही है वो भी नहीं हुई बिकॉज ही वॉज न्यू प्रोड्यूसर न्यू डायरेक्टर वो रिलीज हुई

तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो सके होने को हो सकता था बट इट्स जस्ट दैट आपको कभी लगता है कि यू you नो know, और हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि कैसे चीजें करनी है दैट्स अनाट थिंग एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक लाइक आई वॉज सो हैपी डूइंग टेलीविजनो सो मैनी दो सौ पिचहत्तर एड्स किए हैं मैंने सब कुछ बेचा है यू नो एड्स के माध्यम से तो बहुत सारी चीज़ें करी है तो मेरे ख्याल से मैं शायद संतुष्ट हो गई उसी में कि ठीक है जो है मेरे लिए वो मैं कर रही हूँ एंड आई वॉज हैप्पी मैंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज़ करे हैं इन टेलीविज़न एंड आई एम स्टिल डूइंग टेलीविज़न आई एम रियली प्राउड ऑफ इट एंड मैं uh, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा प्रोसेस कैसा रहा है ये नहीं कि मैं भाई नंबर वन पहुँची हूँ या मैं टॉप की हीरोइन बनी हूँ या मैं बहुत पॉपुलर हुई हूँ और मैंने बहुत पैसे कमाए हैं यू नो मेरे दस बारह फ्लैट्स हैं और बड़ी गाड़ी है मेरे लिए वो बेंच नहीं है मेरे लिए बेंच मार्क है कि मैं जो जहाँ जिस स्तर पर पहुंची हूँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ अभी वहाँ मैं कैसे पहुंची हूँ तो मेरे लिए वो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है But, में। you know, में, हाँ जी जी बट यू नो इनिशियल फेज करियर में दो तीन प्रोजेक्ट्स थे जहाँ लीड थी कुछ नहीं निकली कुछ निकली नहीं चली फिर ऑब्वियसली आप कैरेक्टर रोल्स में चली गई दैट इज एक्चुअली कैरेक्टर रोल्स टू मी आफ्टर माई बेबी बिकॉज मैंने तीन साल का सब लिया था मैन आई बिकेम प्रेगनें टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड सिक्स एंड उस समय तक तो मैं टेलीविजन में सारे लीड्स ही करती थी बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज उस समय मार्केटिंग सोशल मीडिया ये सब इतना नहीं था तो आपके बिल बोर्ड्स नहीं लगते थे हालांकि मेरा बिल बोर्ड लगा है क्योंकि मैंने घर वाली ऊपर वाली किया था तो हमारा बहुत बड़ा स्टाप्लस का लगा था एंड आई डिट नाम अंताक्षरी तो उसका भी बिल बोर्ड लगा था बिकॉज स्टार वर्ल्ड बिकेम स्टार प्लस कि देसी बनना है हमको इंडियन ऑडियंसेज के लिए और तब जाके वन ऑफ द पाइनियरिंग शोज ऑफ़ स्टार प्लस उस समय थे लाइक like, कौन बनेगा करोड़पति क्योंकि भी कवि बहुत थी कहानी घर घर की सत्या जिसमें इरफान जी थे चलती का नाम अंताक्षरी जो मैंने और सचिन जी ने होस्ट किया था यू नो फो ढाई साल तक तो ये सारे शोज थे तो अब तक तब तक मैं करती रही थी एज ऑल द लीड्स बट फिर मैंने सबैटिकल लिया और ये मेरा डिसीजन था कि मैं देहरादून जाऊंगी मैं वहीं पर बच्चा पैदा करूंगी आई वॉन्ट टू बी नियर द हिल्स मैं अच्छे शुद्ध माहौल में रहना चाहती हूँ फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ एंड उस समय तक बीच में ये भी हुआ कि आई थिंक अभी ठीक है अभी है, मैं ना देहरादून जाऊँगी आई हैव टू थ्री किड्स एंड वहीं पर हम थिएटर करेंगे ये भी आ गया था दिमाग में ऐसा भी हुआ और यहाँ से काफ़ी सामान लेकर हम चले गए थे गाड़ी भिजवा दी थी कारगो से ये सब किया था सो so, uh, लेकिन मेरे ख्याल से वो 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 कलमिनेशन नहीं होना था आई हैड टू कम बैक फॉर माय सेकंड इनिंग्स आफ्टर थ्री इयर्स तो थ्री इयर्स के बाद हाँ। आपने सब डिसाइड कर लिया आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी थी हाँ बिल्कुल हाँ, really? यस yes, गाड़ी yes. चली गई है तीन सब कुछ हाँ। में फिर ये कम सो कॉल्ड कम का मोटिवेशन कहाँ से आया इनसिक्योरिटी थी या यू आर मिसिंग द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड या आई वाज मिसिंग परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या एक अनफुलफिल्ड ड्रीम था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना कभी ऐसा सोचा नहीं इसके बारे में इट्स जस्ट दैट मुझे लगा नहीं यार मेरा अभी अभी करना है मुझे और एक्टिंग करनी है आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू नो भले वो भले वो फिल्म हों या भले वो टेलीविज़न uh, सीरीज़ हो भले वो एड्स हो मेरे लिए वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज मेरे मुझे ऐसा लगता है एक परफॉर्मर के लिए जैसे कितने लोग पूछते हैं भाई आपको एड्स करना अच्छा लगा था या आपको टेलीविज़न अच्छा लगा था या आपको फिल्म अच्छा लगा था या फिर रंगमंच अच्छा yeah. लगा था मैं बोलती हूँ देखो मैं कलाकार हूँ hmm. मैं अभिनेत्री हूँ मेरे लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो मैं परफॉर्म कर रही हूँ मैं प्रदर्शन दे रही हूँ वहाँ पर मेरे लिए वो अच्छा है उस समय तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे तो थिएटर अच्छा लगता है नहीं मुझे सब अच्छा लगता है जहाँ पे भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ जहाँ पे भी मैं कैमरा के सामने हूँ या दर्शक के सामने हूँ मुझे वो समय अच्छा लगता है तो जब आप वापस आई हाँ जी वो कम बैक ईजी था आ, जब मैं देहरादून में थी ना थैंकफुली मुझे ऐसा कभी लोगों ने यहाँ के लोगों ने ये महसूस नहीं कराया दैट आई गॉन अवे आई केप्ट ऑन गेटिंग कॉल्स यू नो सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड और एंड ऑल्सो दिस इज हाउ योर कॉन्डक्ट इज़ ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल करियर हाउ यू आर एज अ पर्सन देखो एक्टर आप कमाल के हो सकते हो कमाल परफॉर्मेंस दे सकते हो आप यू you नो know? जो याद रहे यादगार बन जाए लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा तो लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार हाँ परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे करते थे लेकिन यार इंसान अच्छा नहीं था फिर क्या फ़ायदा ऐसी परफॉर्मेंस करने का भी सो आई थिंक मेरे uh, मेरे uh, इस पाथ में बिकॉज आई एम अ वेरी ईजी गोइंग चिल्ड आउट पर्सन मतलब मैं बैठ के यहाँ खाना खिला दो मैं खा लूँगी मुझे बोल दो जाके सेट पे भी कुछ कुछ कर दो मैं कितना करती हुई मुझे अच्छा लगता है करना काम कर लिया अपना मेकअप रूम में कभी कभी खुद साफ करती हूँ कुछ करती रहती हूँ like मतलब मुझे ये सुनने को मिलता है अरे मैम आपका आपकी शक्ल देख लेना सब मजे आ गए इससे बड़ा अवार्ड आपके लिए कुछ नहीं है जीवन में तो वो गुडविल की वजह से गुडविल गुड कॉन्डक्ट माई पॉजिटिविटी मैं बहुत आशावादी conduct. हाँ मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ एंड

तो ये कम आसान था आपके लिए हाँ इट वॉज इन सो डिफिकल्ट इट वॉज जस्ट दैट ड्यूरिंग दैट टाइम वन आई वेन बैक टू देहरादून थिंग्स इन माई इन माई शादी शुदा जिंदगी बिकेम अ लिटिल वियर्ड इन टर्म्स ऑफ की मैं वहाँ रही नहीं कभी माई मदर इन लॉ वॉज अ ब्यूटिफुल पर्सन ब्यूटिफुल आप सोचो मैं छोटी सी और उन्होंने क्या बोला कि नहीं इसको करने दो जो करना है Let her see the world. Let her grow. You know, as a woman. Let her go and experience. She never stopped नवस She could have said कि नहीं नहीं मेरी बहू क्यों जाएगी और पहले ज़माने में कैसे होता था अरे फिल्मों में काम करते हैं नहीं नहीं अच्छे खानदानी लड़कियाँ खानदानी लड़कियाँ फिल्मों में काम नहीं करती खानदानी लोग फिल्मों में काम नहीं करते हैं यू नो सो दैट्स हाउ द माइंड सेट वॉज एंड इवन माई ब्रदर टोल्ड मी कि श्रुति ठीक है तो यू गोइंग इट्स फाइन बिकॉज यू लव दिस बट ये हमेशा एक चीज याद रखना कि एक रोटी घर पे खाने को मिलेगी डोंट लूज योर सेल्फ एंड दैट आई ऑलवेज रिमेंबर्ड ऑलवेज मतलब गाठ बांध ली मैंने उस बात की दैट आई डोंट हैव टू लूज दैट श्रुति कोई बात नहीं काम नहीं मिलेगा चलेगा नेवर माइंड लेकिन फॉर मी व्हेन आई लुक बैक एट द श्रुति हु दीज इयर्स जिसने इतना सारा काम किया है मैं देखना चाहती हूँ मैं खुश थी वो करते हुए या मैं ना खुश होकर यू नो कॉम्प्रोमाइज करके ये सारी चीज़ें कर रही हूँ एंड देन व्हेन आई लुक एट माय सेल्फ इन द शीशे में देखती हूँ आईने में खुद को देखती हूँ तो मैं प्राउड फील कर दूँ यस श्रुति कोई बात नहीं आप हीरोइन नहीं बनी नेवर माइंड आपके बहुत बड़े घर नहीं है कोई नेवर माइंड बड़ी गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं आप खुश होना

डोंट नो कभी कभी चीजें होती ना अपने आप हो जाती हैं सो आई डोंग हाउ डू आई पुट इट मतलब um, मैं जब देहरादून गई तो आई डोंट नो यू नो आपकी जो वाइब्रेशंस थी हम दोनों की एक दूसरे के लिए वो थोड़ी सी चेंज हो गई ऐसा नहीं था कि भाई

यू नो वी सेट येस गो वर्क श्रुति दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू येस सो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल आई आई बिकेम अइसर पर्सन बेटर ह्यूमन बींग आई ग्रू सो मच अलॉन्ग विद हिम यू नो एंड ही हेल्प मी सो मच आई डिड सो मच थिएटर विद हिम इन फैक्ट हम हम वी कीप वी नॉट टूगैदर एज अ कपल बट हमारा एक बेटा है जो बहुत सुंदर है हु इज़ अ बॉन्ड यू नो फॉर आस कितने साल का वो? He's 17 और जस्सिया। नाम क्या? और जस्सिया। What a beautiful name। और जस्सिया। Yeah, it means the radiant one। और जस्सिया आता है। So, um, so we are co-parenting him, and he's okay. When things were not right, I always told him as a child, you know, कि कोई बात नहीं, मामा पापा इसी समय तक थे एक साथ, but we are very good friends, and we will always be your parents. वो तो कोई आपसे कोई नहीं छीन सकता। है ना सो आई एंड ही वो ही स्टेज जस्ट ऑपोजिट सो वो उधर भी जाता है इधर भी आता है ही इज़ फ्री टू मीट आलोक जी वैन एवर ही वॉन्ट्स टू देव गॉन ऑन अ बॉयज़ ट्रिप टू इंग्लैंड सो मेनी टाइम्स एंड टू स्वीडन सो इट्स इट्स अ वेरी चिल्ड थिंग एंड आई एज अ पेरेंट एज अ सिंगल मदर आई ऑलवेज फील कि देखिए बच्चे के लिए ना जितनी माँ ज़रूरी है उतना बाप भी ज़रूरी है उस कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो बाप बता सकता है जो माँ नहीं बताती है यू नो स्पेशली टू बॉयज

वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके बच्चे को बनस्पत इसके कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी जिए लेकिन आपकी एक ज़िंदगी है जो बच्चे से कनेक्टेड है और वो आप कभी कभी जीने आ जाते हैं जब उसकी उसकी बात होती है तो या उसको ज़रूरत होती है तो तो ऐसे हम कितनी बार आलू जी एंड एन माइसैल्फनों जैसे हम कॉफ़ी पीने जाते हैं हम फिल्म देखने जाते हैं हम खाना खाने जाते हैं बाहर सो इट्स नॉट लाइक दैट ही कम्स होम ही नोज आई कुक वेरी गुड पास्ता तो यू you नो know, तो ऐसे होता रहता है सो आई थिंक हमने एक राइट संतुलन ढूंढ uh, लिया है अपने लिए एंड वो जस्ट फाइन विद इट उसको हमेशा मैंने बताया मैंने कभी कुछ चीज़ छुपाई नहीं उससे और आलोक जी ने कभी कुछ चीज़ नहीं छुपाई वी ऑलवेज टॉक्ड टू हिम अबाउट थिंग्स एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल जैसे हमने बैलेंस किए इन चीज़ों को मैंने थर्टी ईयर्स कम्प्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में और एक चीज़ ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है आगे बढ़ाया है वो है मेरे अंदर के अंगार में अंगार मर्चेंडाइज इज आउट जी हाँ ये है मेरा अंगार टी शर्ट अंगार बैग अंगार मग्स और साथ में जो भी लाइने मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में मेरे चैट शो में वो सारी लाइने होंगी मेरी टी शर्ट जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस माई अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए तो आप शादीशुदा थी और आप एंटरटेनमेंट बिजनेस उसके बाद yeah, उसके बाद आए इनफैक्ट वो जमाने में उल्टा होता था यस yes. लोग शादीशुदा होते भी थे तो किसी को बोलते नहीं थे नहीं no. और जान मुझके या तो रोकते थे अपने आप को शादी करने क्योंकि उनको लगता था कि मार्केट वायबिलिटी जो है yes. वो खत्म हो जाती थी एंड कि अरे ये, ये तो शादीशुदा है पहले तो यही होता था ना कि शादी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए भाई कहीं प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिल्म कैसे बनेगी ये सब भी होता था देट वॉज को अगर पता चलेगा तो लोग आपको डिजायरेबल नहीं फील एब्सोल्युटली

यू नो हाउ कैन आई हाइड हिम इट्स ओके नेवर माइंड अगर मुझे मिलेगा काम किसी को मुझे देना होगा काम तो वो मेरे पोटेंशियल में मेरे कैपेबिलिटीज में देगा ये मान के नहीं देगा कि ये शादीशुदा है ये शादीशुदा नहीं है सो लॉट मेनी टाइम्स आई वेंट फ्यू पीपल आई मेट उस समय फॉर फिल्म ओ सो यू मैरिड आई सी रिया मैरिड ओके ओके हाँ भी चीजें हुई हैं एक दो बार सो इसीलिए हम लोग क्यों अपने आप को इतना इतना लिमिटेड कर देते हैं इतना रिजिड बना देते हैं वाई आर वी नॉट फ्लेक्सीबल विद दिस थॉट लकली अब जाकर चीजें पिछले आई थिंक बीस साल में या साल में बीस साल क्या बोल रही है अभी कुछ पाँच दस साल पहले मुश्किल से hmm. अब है कि भैया आपकी हीरोइंस भी जो हैं शादीशुदा हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद भी काम करने आ जाती हैं यू you नो know, अब है बट पहले ऐसा नहीं होता था सो देर हैज़ बीन टाइम्स वेर आर मेट पीपल हु वर लाइक नॉट हैप्पी टू नो दैट कि मैं शादीशुदा हूँ बट मैंने कभी नहीं छुपाया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू दैट वुड नॉट दैट वुड बी चीटिंग टू माई सेल्फ मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उस जगह पे नहीं पहुंचना चाहती चीजें करके जो मैं नहीं करना चाहती हूं जिसकी वजह से मैं नाखुश हूं आप और आलोक जी कितने टाइम के लिए एक साथ थे वी We फ्रॉम uh, 90 आई न्यू हिम सिंस 1995 टिल 2017 so, 95 में, में आप लोग पहली बार मिले थे तो थिएटर में, में मिले थे यस yes, तो वो कर थे देहरादून में एंड हम uh, मैं उस समय देहरादून में ना हम कॉलेज में थे फ़र्स्ट ईयर सो हम लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे फ़ैशन शोज़ होते हैं ना दीन्स टू टेक पार्ट इन दो फैशन शोज़ वहाँ पर रैम्प वॉक एंड ऑल दैट करते थे हम छोटे पैमाने में देहरादून में तो वहाँ पे जो हमारे सर थे सुमित सर और दिलीप सर तो उन्होंने बोला कि तो हम लोग ऐसे बोले सर यहाँ पे वर्कशॉप एक्टिंग की वर्कशॉप्स भी तो होती है ना कौन करता है तो हाँ मेरे फ्रेंड हैं आलोकुलफत वो करते हैं तो ऐसे डा रही हमें मिलाओ ना उनसे हम वर्कशॉप करेंगे सो इट इज़ लाइक दैट तो हमें लगा कोई बुजुर्ग से होंगे आलोकुलफ्त को यू you नो know, पता नहीं एन एच डी में पढ़ाते हैं ऑल दैट तो हम जब मिलने गए तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैन हु हैड ब्यूटिफुल आइडियाज़ ब्यूटिफुल विजन्स एंड हु वॉज सो डिफरेंट ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द फॉर सोशल चेंज यू नो ही वॉन्टेड टू यूज़ थियटर फॉर सोशल चेंज एंड ही इज़ डूइंग दैट यू नो ही ही एंड एंड हम हमने बोला चलो हम नाटक करेंगे सो वी डिट इट इस प्ले कॉल्ड पृथ्वी जो एनवायरमेंट पे बेस्ड थी हमने कपड़े प्लांट डाई करे अपने बोरियों से कपड़े बनाए चुकंदर से हल्दी से यू you नो know, चाय के पत्ती के पानी से उनसे डाई किए सो द इज़ अ बिग ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल काइंड ऑफ वर्कशॉप टाइम वी हैड परफॉर्मेंस एंड उसी दौरान इज द मैन आपका दिल आया उनके ऊपर पहले कि उनका कि दोनों म्यूचुअली माने आई थिंक वो अपने आप ही चीजें हो गई द वर्कशॉप खुद हो गया सो इट वाज लाइक एंड को बताया मां तो बेचारी नीचे ही गिर गई <laughs> कि भैया उन्नीस साल की लड़की इसको शादी करनी अभी कॉलेज खत्म होने वाला है व्हाट इज रॉन्ग विद मच यू नो सो so, बट वो ये है ना आपके फितूर आपका uh, दिमाग जो है वो कहीं और चला जाता है मैन आई वॉन्ट टू बी वेन ही इज दू नो दो हाउ माई मम एंड माई ब्रदर एवरीबडी रियक्टेड माई फैमिली रियक्टेड वो जायज था बिकॉज ऑब्वियसली अब अचानक सेन आई वॉज वेरी स्मॉल ग्यारह साल की थी तो दीदी हैं दीदी भैया एम थ्री ऑफ ओवर टुगेदर तो सो भैया वॉज लाइक दिस फादर फिगर एंड एंड भैया और मेरे में भी एज डिफरेंस इज टेन ईयर्स एंड दीदी और मुझ में इज इलेवन ईयर्स सो सो ऑब्वियसली वर लाइक क्या हो गया श्रुतिकन भैया वॉज इन इंडियन नेवी सुबैया की पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी तो माँ ने बोला ले जाओ यहाँ से ये तो ये तो ये तो अब स्कूल बंद कर रही है ये थिएटर ले जा रही है ये यू नो ऑल दैट है वेरी स्मॉल टाउन थिंग्स सो सो ये हुआ बट ही था आई वॉज एडमेंट आई वॉज स्टब आई वेंट टू डेली आई स्टॉप ईटिंग वो सारी नाटक वाटक वो सब किया यू <laughs> नो you know? uh, तो मतलब नाटक तो नहीं था आई एक्चुअली डिड इट बट वो सारी वो सब हुआ

बहुत प्यारा था एंड uh, आपको मैं बहुत सुंदर चीज़ बताती हूँ एक सो जब 2017 दो हज़ार सत्रह सो 24 ट्वेंटी so, फोर सेवनटीन सत्रह में चार और स, तीन सात दस का था तो आई टोल्ड हिम उज्या देखो ऐसा हो रहा है एंड पापा मम्मा फ्रेंड्स है बट इस तरह हम साथ में नहीं रहेंगे तो ही विज़ लाइक ओके फैसल हाँ देखो पापा अगर नहीं होते तो फिर आप कैसे आते हमारी जिंदगी में यू you नो know, आप आए हो ना हमारी जिंदगी में क्योंकि पापा मम्मा की शादी हुई है तभी तो आप आए हो हमारी जिंदगी में तो पापा के साथ नहीं रहती तो कैसे आते आप तो ये तो सबसे सुंदर चीज़ हुई है मेरे लिए व्हाट ही सेड उसने बोला मम्मा आप कहीं भी जाते ना मैं आप ही के पास आता आई मीन दिस इज ही टोल्ड मी दस साल का छोटा सा बच्चा तो आप कहीं भी जाते किसी के पास भी जाते मैं आपके पास ही आता सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ प्राइसलेस फॉर मी यू नो दिस इज़ प्राइसलेस एंड या सो या दिस इज समथिंग इज समूटिफुल विद दिस मैरिज इज़ उजास फॉर बोथ ऑफ अस and what is more beautiful is also that we are we are friends now you know but jab aap logo ka separation ho raha tha tab to itna easy nahi hua hoga ha it's see, it's never easy it is never easy for anyone aap jitna bhi bologe it is not easy hmm. it was uh, uh, it took me a while to make this decision for myself because क्या है ना मैं देहरादून ही हूँ छोटे शहर की हमारे में है ही नहीं ना वो क्या होता है आपकी जिससे शादी हुई है hmm. आप आप जहाँ पे आपका ब्याह हुआ है वहीं से आप आपकी अर्थी जाएगी बेसिकली ऐसे ही होता था ना और सोसाइटी टैबूज भी होते हैं हाँ टैबूज भी होते हैं और उस समय तो क्या देखो अब जाकर आप देखोगे ज़माने में कि विमेन जो हैं वो इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं उनकी एक अपनी सोच हो रही है वो अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रही हैं काम कर रही हैं स्पेशली शहरों में अगर आप अभी भी कितने यू you नो know, छोटे इंटीरियर्स में जाइए हिंदुस्तान के तो आपको कहीं कितनी औरतें दिखेंगी जो खुश नहीं हैं लेकिन आपको निभाना है एक निभाना शब्द है कि आपको वो होता है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको निभाना है आप बोल नहीं पाते परिवार खानदान की बेजती हो जाएगी माँ ने बोला है भाई जिस घर गई हो उधर ही से अर्थी उठेगी आपकी आप बोल नहीं पाते हो तो ऐसे बहुत सारे छोटे शहरों में अभी भी होता है जो हमें पता नहीं है हम बोलते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हम बोलते हैं हम कि हम डेवलपमेंट हमारा बहुत कमाल का हो रहा है मॉडर्न हो रहे हैं हम बट आप अगर एक्चुअली इंटीरियर्स में जा कर देखो तो आर सो मनी वेमेन हु डू नॉट नो वॉट टू डू इफ देयर नॉट हैप्पी हम लोग तो हमें तो पता है ठीक है चलो अगर नहीं है हम बात कर लेंगे ठीक है भाई नई निबरी हमारी सो लेट्स गो ऑन आर ओन पाथ्स यू नो विद आर ओन लाइफ वो तो हम कर लेते हैं बट दे आर सो मनी वेमेन हू केन नॉट डू इट जो सोच भी नहीं सकते कैसे करें जिनके पास साधन नहीं है जो इंडिपेंडेंट नहीं है यू you नो know, जो डिपेंड करते हैं पति पर जिनको और कुछ करना ही नहीं आता है घर सिर संभालना आता है प्रॉब्लली इतने पढ़े लिखे नहीं है कि कहीं जाके नौकरी कर लें इतनी क्षमता नहीं है इतनी इतनी इतना करेज नहीं है कि आवाज़ उठाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बट देन फॉर बी ऑल्सो इट टू का ये करूँ मैं कैसे करूँ नहीं खुश नहीं हो रही हूँ मैं कैसे करूं क्या फ़ायदा हम दोनों अगर खुशी नहीं है तो तो फिर और ख़राब कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी

क्या होता था अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है एंड इट्स क्या आप दोनों एक दूसरे का आउट ग्रो कर गए थे क्योंकि आप उन्नीस साल की थी जाते हो एब्सोल्यूटली बिकॉज जब मैं आलोक जी के साथ थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज आई ऑलवेज लुकअप टू हिम यू नो कुछ बोलना किस करना आई वु लुक अप टू हिम बिकॉज मैं कभी भी बॉम्बे नहीं आई थी मैं पहली बार जब बॉम्बे आई ना मेरी बीमार हो गई बिकॉज दी एनर्जी ऑफ दिस प्लेस सब ऐसे भाग रहे हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह दर 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 चर्च गेट की तरफ भाग रहे हैं शाम को सब चर्च गेट से वापस इस तरह धर दर, दर 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 ला रहे हैं कुत्ते भी भाग रहे हैं उस तरफ सुबह सुबह यू नो एवरीथिंग वॉज सो बिग फॉर मी देहरादून में तो अपार्टमेंट्स नहीं होते थे घर होते थे जैसे मैंने आपको बताया सो दिस अपार्टमेंट यू नो ट्रेन द एनर्जी द वाइब्रेशन ऑफ दिस सिटी हिट मी सो मच बिकॉज मैं कभी आई नहीं आई न्यू बॉम्बे बिकॉज माई ब्रदर वॉज पोस्टेड हियर वैन ही वज इन द इंडियन एवी एंड एस एल वर्ल्ड क्योंकि हम टीवी में देखते थे भाई फिल्म बनती हैं यहाँ पर चित्रहार देखते थे बॉलीवुड की बनती थी उस में मैगजीन घर पर आती थी एंड्स हाउ इट वॉज बट देन अलॉन्ग विद्सो बीनो मेरा जुखाव स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत रहा है बिकॉज आई बीन स्पोर्ट्स पर्सन माई डैड वॉज अ फुटबॉलर उत्तराखंड के लिए खेले माई दीदी वॉज अ जोनल एथलीट माई ब्रदर प्लेड फुटबॉल माई सन प्लेस फ़ुटबॉल ना हो यू नो ही प्लेस फॉर द क्लब फॉर दरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सो सो फुटबॉल गेम्स हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइंड स्पोर्ट्स टार हमारे घर में आती थी सो आई स्टार यूज इट यूज़ टू कम एवरी वीक माई डैड वॉज अ बॉक्सर ऑल्सो सो so ही uh, हम लोग शुरू से बचपन जब क्रिकेट होता था मुझे याद है मेरी दीदी पूरे रजिस्टर में ऐसा पूरा लिखती थी ओवर्स पूरा कौन कर रहा है बैटिंग कौन बॉलिंग कर रहा है पूरा लिखती थी जीरो रन एक बॉल दूसरे बॉल में चौका चार ऐसे कॉमा सो आई हैव सीन दैट एंड आई एम अ स्पोर्ट्स फ्रीक आई लव क्रिकेट आई लव फुटबॉल एंड आई लव टेनिस सो आई एम अ बिग कीड़ा टेनिस फैन आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ नोवैक जोकोविच

and i एन आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम वैर आर स्पीकिंग सो मच अबाउट इट मैंने कभी Yes, because मैंने कभी because मेरे मुझे ऐसा था this is my personal life. मुझे अपने professional life में इसको नहीं लाना है बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखा है प्रॉब्ली क्या बोलते हैं ऐलान कर देते हैं कि ऐसा हो गया सो इनफैक्ट बहुत सारे मेरे जो को एक्टर्स थे मेरे जो कंपेट्रिएट्स थे एंड माई फैम्स डि नॉट इवन नो दैट दिस इज हैपन विद मी दैट छुती इज़ नॉट टूगैदर विद अलोची कितों को तो पता भी नहीं था बिकॉज मैंने कभी बखान नहीं किया एक चीज़ एंड आई डेंट वॉन्ट टू बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ मैं uh, uh, तीन चार न्यूज़ पेपर्स में आने के लिए या वो करने के लिए ये सब नहीं करना चाहती हूँ एंड इट्स माई थिंग आई डोंट वॉन्ट टू

लेडी लीड रोल्स कर रही थी अब वो कैरेक्टर रोल्स कर रही करेक्ट हालांकि आज के जमाने में कैरेक्टर रोल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है बहुत उस जमाने में इतना नहीं था हालांकि कैरेक्टर रोल्स वर् प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट बट लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते थे करेक्ट आज लोग बोल रहे अच्छा पांच मिनट का रोल भी होना मैंने अच्छा किया तो अच्छा है बट hmm. उस टाइम नहीं, नहीं था वो एक्सेप्ट करने के लिए कि अब रहा अलग हो चुकी है पटरी अलग हो चुकी नॉट रियली नॉट रियलीफकोर्स आई न्यू दैट आई कमिंग मैं वापस आ रही हूँ यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे लीड रोल्स मिलेंगे अभी लोग बोलेंगे अरे स्थिति के तो बच्चा हो गया है अभी बड़ी हो गई है यू नो और अफकोर्स आई वुड नॉट गेट हीरो समय तो uh, uh, थोड़े मतलब मिडिल क्लास मिडिल एज तो नहीं बोलूँगी बट थोड़े से बड़े जो यंग बच्चे जो लीड्स करते हैं उन्हीं के ऊपर कहानियाँ बनती थी उस समय इतने यू you नो know, थोड़े बड़ी उम्र के लोग हीरो hero, हीरोइन वाले सीरियल्स नहीं बनते थे जो अब बनने लग गए हैं थैंकफुली mm. बट uh, जब मैं आई तो अरे तुम अभी तुम छोटी सी हो अभी तीस साल में तुम माँ बन जाओगी आई डिट फूल दैट वॉज द कम बैक फॉर मी and देर I played a mother of Ishan who's about a 24 year old boy, so I said yeah so what, so what if I'm a mother now, so what if I have to play a mother because bahut sare um बहुत सारे um, आप आपको पता भी होगा बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करना चाहते कि नहीं मैं माँ का रोल नहीं करना चाहती हूँ या मैं यू you नो know, बच्चे हूँ मेरे मैं वो नहीं चाहती हूँ मैं अभी भी यंग uh, प्ले करना चाहती हूँ बट फॉर मी एक कलाकार के लिए एक शब्द है वर्सिटैलिटी जो हमसे जुड़ा हुआ है जिसका मतलब है आप कोई भी उम्र का रोल या किसी भी किस्म का रोल आप कर सकते हैं आपके अंदर वो काबिलियत है आर वर्सेटाइल इनफ टू प्ले डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रोल्स डिफरेंट कैरेक्टर्स भले वो एज ऊपर नीचे हो या जैसा भी हो तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं माँ बन गई हूँ तो मैं नहीं करूँगी मैं तो अभी भी हीरोइन बनूंगी मैं तो अभी भी लीड आई नै अ था मैं कलाकार हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ आप मुझे यंग दिखा दो मैं यंग कर लूँगी आप मुझे बुजुर्ग -बु -बु दिखा दो ग्रे कर दो मेरे बाल मैं वो भी कर लूँगी मुझे कोई आपत्ति नहीं है बिकॉज मैं एक परफॉर्मर हूँ मैं एक एक्टर हूँ आई वॉन्ट टू परफॉर्म तो ये सारी चीज ये मेरे लिए कभी भी वो नहीं हुआ पर उस वक्त ये चीज़ मायने रखती थी बिकॉज लोग अपनी उम्र से ज़्यादा का अगर किरदार निभाते hmm. थे तो लोगों को लगता मैं स्लॉट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी और लोगों को ये भी लगता था कि यार अच्छा मैं तो इतनी उम्र का नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ हाँ, तो वो प्रोजेक्ट्स छोड़ देते थे बहुत सारे लोग ऐसे करते थे बट वो उनकी चॉइस थी आई डेंट वॉन्ट टू डूटो बिकॉज मेरी सेकेंड शुरू हो रही थी एंड ऑल्सो वन आई गॉट वर्क और मेरा इतना अच्छा काम मुझे मिला ससुराल के अंदर फूल जो मैंने किया बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला एंड uh, मैं खुश थी ना मैं खुश थी आई वॉज डूइंग वॉट आई वॉन्टेड टू डू जो मैंने चूज किया है करना सो so, मैं खुश थी उसमें एंड मैंने वो सोचा ही नहीं कभी ऐसे कि मैं क्यों बनूं मैं नहीं करूँगी मैं अभी मां नहीं बनूंगी ऐसे नहीं सोचा कॉन्फिडेंस कहीं हिल गया था वो ब्रेक के दौरान एज अ परफॉर्मर एज एक्ट्रेस क्योंकि हमने वो पृथ्वी फिर से किया आई वॉज पर मैं बीच में दो शोज़ के लिए एज अ कैमियो रोल के लिए आई थी करने विदास्य लिटल एंड वेन बैक टू बिकॉज आई से तीन साल में बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू बी इन दिस मदरुडून एंड आई वॉन्ट टू बी इन दिस फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्ड तो ये समय मैं काम नहीं करना चाहती हूँ मैं पूर्ण तरीके से माँ का जो एक एक एक, एक किरदार है वो निभाना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट सी माई चाइल्ड ग्रो जब आप दोनों अलग अलग राह पे जा रहे थे आप और अलोक जी हाँ जी बेटे पे क्या असर था इनिशियली उनको समझ आ रहा था नहीं उसको तो कुछ पता नहीं था सो दैट इज़ व्हाई मैंने आपको बोला मैंने उसको mm -hmm. उनको बताया आई केप्ट हिम इन द लूप आई आई हाँ मैं उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बोलती रही बताती रही जिसकी उस जितनी उसकी समझ थी करेक्ट एंड आई मेड हिम अंडरस्टैंड एंड यू नो व्हाट वो आलू जी के साथ खेलता वेलता था जाता था आता था तो उसको ऐसा कभी यू नो आभाज ही नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है ही इज़ फाइन बिकॉज आई नेवर नवर हिम फ्रॉम मीटिंग हिज फादर आई नेवर हैड दीस शेड्यूल्स दैट ये इस संडे मिलेगा या उस संडे नहीं मिलेगा या इतने घंटे आपके साथ रहेगा वो कुछ है ही नहीं उजास इज फ्री टू बी विद आलू जी एवर हाउ मच एवर ही वॉन्ट्स टू वो देहरादून जाता है वहाँ पर यू नो आलू जी के साथ घर पे ही गोज़ टू इंग्लैंड देंट लास्ट ईयर देंट टू इंग्लैंड हाँ उससे पहले स्वीडन गए थे उससे पहले उजास सेवन ईवर सेवन देंट टू पोलेंड फॉर दिस बहुत सुंदर uh, नाम भूल गए उसका बहुत सुंदर थिएटर फेस्टिवल होता है वहाँ पर सो उजासज़ गॉन तो मैंने कभी नहीं रोका बिकॉज वो ईद जो चीज़ उनकी है वो मैं नहीं देखूँ वो मैं नहीं छीन सकती आई डोट वॉन्ट टू बी देट मदर एंड उजास्या्या

मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपर्स टी शर्ट्स हुडीज़, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे ये रिश्ता हाँ, बिग शो yes. कितने सालों से आप कर रही हो 7 मंथ्स 7 मंथ्स सात महीने हां माहौल कैसा है जेन्युइनली बताइए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस शो मेरा अहिल्या शो था वो चल रहा था वो अक्टूबर में खत्म हुआ पंद्रह अक्टूबर को तो फिर मैंने सोचा अच्छा अभी क्या करूं चलो अच्छा देरदूं जाएंगे थोड़ा सा सोल फूड लूंगी मैं अपना देरदूंज लाइक माय सोल फूड तो मिलना थोड़ा पहाड़ वहाड़ जाएंगे थोड़ा कुछ करेंगे बट थैंकफुली ब्लेस्ड यू नो विद द एनर्जीज़ अराउंड मी एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट ट्वेंटियथ को मुझे रात को साढ़े ग्यारह बजे फोन आया ऑफिस से राजन की एंड तो सर दिस वर्ट इट इज़ एंड कैन यू कम आई सेड ओके बट मेरा दोपहर को एक अपॉइंटमेंट है मम्मा का उनको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ तो आई एम डूइंग ऑल दोज थिंग्स नो तो दिसे बस सुबह आप जल्दी से आ जाओ हम जल्दी से आ जाएँगे मिलकर बस चले जाओ सो आई वेंट टू अनुपमा सेट एंड जिस राजन जी ने बोला कि श्रुति को बोलो प्लीज आए तो आई वेंट एंड दे उन्होंने बोला ये रिश्ता इज टेकिंग अ लीप अच्छा सर ओके यू हैव टू डू दिस आई सर ओके सो उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए ऑडिशन जैसा लिया विच वेंट ब्यूटिफुल एंड उसके बाद सर्डली डिसाइड कि अच्छा आपका कब अपॉइंटमेंट है मैं मेरा डेढ़ बजे मैं जा रही हूँ उधर अच्छा आप कितने बजे खत्म हो जाओगे ऐसे एक घंटा वो किला अंबानी जाना है वहाँ पर एंड यू बी फिनिश बस जस्ट अ फॉलो अप तो अपर ठीक है साढ़े तीन बजे ऑफिस आ जाना आप एंड साढ़े तीन बजे ऑफिस आना आई साइंड सो इट इज़ लाइक दैट एंड इट वॉज ब्यूटिफुल एंड राजन राजन एंड आई गो बैक जब मैं थोड़ा थोड़ी की जरूरत कर रही थी नाइनटीन नाइनटी एट नाइन्टी नाइन विद रवि रिश्ता ये विद रवि एंड um, uh, उस समय राजन वॉज अ सिस्टिंग हिम यू नो सो एंड देन राजन फर्स्ट शो एज एज अ डायरेक्टर इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉज दिल के मानता नहीं जिसमें विशाल सिंह रुपाली एंड माई सेल्फ हम तीनों का ट्रा था एंड नाउ रूपाली इज ऑल्सो वर्किंग विद हेम ए नाम ऑल्सो वर्किंग विद हेम अगैन सो दैट्स हाउ इट इज़ सो आई वॉज वेरी हैप्पी वर्क एंड आई ऑलवेज जब भी मैं राजन को मिलती थी यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं कर रही हूँ सो एंडर थिंग वॉज दैट जमा जी जो हमारा ससुराल गंदा फूल लिखते थे एंड लेटर बिकेम ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ ससुराल गंदा फूल ही इज़ ऑल्सो द वन हु इज़ राइटिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है पंद्रह सालों से सो सो इट्स सो आई न्यू दैट वहाँ माहौल बहुत सुंदर है एंड it's it's इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स अ शो विच इज़ विच इज़ अ ब्रांड यू नो आई मीन undoubtedly पंद्रह सालों से चल रहा है शो and uh, सिर्फ एक चीज़ है जो I mean हम तो of course बहुत सारे producers से मिलते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं कुछ okay होते हैं यू you नो know? कुछ ओके पहले, पहले बहुत अच्छे होते हैं फिर बुरे बन जाते हैं वो सारी चीज़ें भी देखी हैं वेर माई मनी हैज़ बी नीटन आई एव नॉट गॉट पेड यू नो Yeah, so all that has also happened. Like in Rajanka, we had always heard that he's a good producer. Rain, th thunder, storm, whatever. Payment kabi kisika ruktani, and that's a very big thing, you know, for for actors, for people whose livelihood is that. So, um,

और नहीं मिलने को काम आपको दो-दो साल तक नहीं मिलता है ऐसे भी हैं एक्टर्स जो घर में बैठे रहते हैं आपका सबसे लंबा दौर कब रहा है जब आपको काम नहीं था आई डोंट रिमेंबर लगातार काम मिलता गया आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ्स और मे बी टू अ ईयर प्रोबेबली इज द टाइम एंड आल्सो इवन व्हेन आई took a sabbatical उद्देश्य के लिए आई टोल्ड यू कि मुझे काफी कॉल्स आते रहते हैं श्रुति यू कमिंग बैक एन यू कमिंग कभी फाइनेंशियल प्रेशर फेस each and every moment to the fullest I do that

स्पेशली हॉरर फिल्म्स होती हैं दोपहर तो के टाइम ज़्यादा लोग नहीं होते हैं अकेली देख रही हूँ मैं मेरा अपना प्रिव्यू है यू यू नो लव योर कंपनी आई लव माय ओन कंपनी एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी आई हैव माय लिटिल स्पोर्ट्स व्हिच आई वॉच जो मैं देखती हूँ मेरा रूटीन बड़ा सेट है आई हैव माई माँ जसिया यू नो एंड वी डू फ्यू थिंग्स हेयर इन द आई लव टू कुक आई लव टू बेक जैसे कि के बर्थडेज में केक्स बनाना अदरवाइज केक्स बनाना मुझे बहुत शौक है मुझे कुकिंग का शौक है आई मीन आई इन स्कूल मैंने होम साइंस ली थी बिकॉज आई लव कुकिंग आई लव घर का काम करना झाड़ू पोचा बर्तन बर्तन करना मुझे बड़ा शौक है तो ये फाइनेंशियल प्रेशर कब आया आप पर आई आई थिंक इट केम केम बैक फ्रॉम देहरादून तो क्या हो गया ना सारे पैसे तो उड़ा दिए देहरादून उड़ा दिए चीज़ों के लिए ये वो बिकॉज अपने को लगा कि भाई हम अब जा रहे हैं हमेशा के लिए वहाँ पर यू नो अब वहीं पर एक जिंदगी शुरू करेंगे एक दूसरी बट uh, वो नहीं हुआ सो दैट टाइम बट लकली लकली आई गॉट वर्क द मोमेंट आई केम हि मैं आई थी नवंबर 2010 और 2011 जनवरी आई गॉट वर्क आई गॉट अ कैमियो एंड फ्रॉम फर्स्ट मार्च ससुराल के अंदर फूल वाज ऑन एयर तो मैं 24 फरवरी मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी जिसकी राजन जी के बारे में आपने बहुत अच्छी चीजें कही हैं। yes. uh, हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ते हैं मीडिया uh, yeah. पर सोशल मीडिया पे। आई एम नॉट नॉटिंग एनी शहजादा आया था मेरे शो पर hmm. उन्होंने भी कुछ बातें कही वॉट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू जैसे राजन जी ने कहीं कहा था कि शहजादा बहुत सारे टेक्स लेता था एज एन एक्टर ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड सर शेजादा वॉन्टेड टू बी कॉल सर शेजादा एक ट्रेबल मेकर था शेजादा जब एक मीटिंग था सबके सामने वो हेडफोन्स पहन रहा था और राजन जी की बातें नहीं सुन रहा था ऑबियसली शहजादा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सर बुलाओ मैं अच्छी एक्टिंग करता था कभी कैक टेक्स में मैं ओके हो जाता था What is your genuine thing in this? वॉट um, जब हमने आई डेंट नो शहजादा बेफो मैंने कभी काम नहीं किया उसके साथ और मैंने उनका काम भी कभी देखा नहीं है पहले बट uh, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज वो मेरा बेटा प्ले कर रहा था जिसके साथ अरमान उसका नाम था कैरेक्टर का और विद्या जो मेरा कैरेक्टर है उसका अलग बॉन्ड था अरमान के साथ तो मेरे और उसके बहुत कमाल के आते थे वेरी इमोशनल क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो आके विद्या से शेयर करता था जबकि विद्या उसकी असली माने थी लेकिन विद्या ने उसे बचपन से पाला और वो हमेशा से बोलती आई कि ये मेरा पहला बेटा है तो हमारी बॉन्डिंग जो थी वो बहुत ज़रूरी थी होना ताकि हमारा जो हमारा प्रदर्शन हमारे 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 कैरेक्टर्स की एक दूसरे से बातचीत हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स ये सब बहुत सुंदर तरीके से आए यू you नो know, पर्दे पर टेलीविजन पर तो हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी था विच वॉज ही वॉज ही वॉज अ नाइस बॉय हु डिड गुड परफॉर्मेंसिज आई हैड ब्यूटिफुल सीन्स विद हिम हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है यू you नो know, साथ में

उनका शो आता है टेलीविजन में आ रहा है इमेजिन एटीन ईयर्स से उनका हर दिन एक एपिसोड आता है दैट्स वेरी बिग थिंग एज ए प्रोड्यूसर देर आर पीपल हु आर वर्किंग विद हिम सिंस द पास एटीन ईयर्स जिन्होंने शुरुआत उनके साथ की थी और अभी भी उनके साथ है और अगर ऐसे हमारे हमारे इस क्षेत्र में बहुत जल्दी लोग आते हैं चले जाते हैं यू you नो know, मन मुटाव हो जाते हैं लोगों के अलग अलग नज़रिए हो जाते हैं लोगों के जेलेसी हो जाती है कुछ हो जाता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन लेकिन देर आर पीपल जो उनके साथ 18 साल से जिन्होंने शुरुआत उनके साथ की है और अभी तक उनके साथ हैं तो वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बोल देता है कि वो इंसान एज अ प्रोड्यूसर या वो प्रोडक्शन हाउस कैसा है एंड हम लोग ना हंसते खेलते काम करते हैं वहां पर सिद्धार्थ आई लॉन्ग टू गो एंड शूट जिस दिन शूटिंग नहीं होती ना बोलते शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हो हमारे साथ वी आर हैप्पी टू बी देयर एवरीबडी ऑल द एक्टर्स वी आर हैप्पी टू बी देयर सो

It is true that the very first time when we went to महाबलेश्वर see एक एक्टर का कॉन्डक्ट बहुत ज़रूरी होता है मैंने जैसे पहले आपको बोला कि फम्मी मैं भले आप अच्छे प्रदर्शन हो आप अच्छे परफॉर्मर हो आप अच्छे एक्टर हो ठीक है लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो ठीक नहीं है बिकॉज़ वहाँ पर आपको इतने सारे लोगों के साथ रहना है तो अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो आपकी तो किसी के साथ भी नहीं बनेगी ना फिर आप कहीं ना कहीं नुक्स निकालते रहेंगे आप खुद भी खुश नहीं रहेंगे आप दूसरों को भी नहीं खुश रखेंगे सो एंड ही वॉज प्लेइंग सच एन मैं मैं सिर्फ शहजादा के उसके नहीं बोल रही मैं किसी भी एक्टर के उसके लिए बोल रही हूं हमें काम मिलता है हमें विद फोल्डेड हैंड्स विद रेवरेंस विद हम्बलनेस विद ह्यूमिलिटी उसको करना चाहिए बिकॉज ये वो काम है जो हमने चूज किया है हमने चयन किया है ना इसका हमें कोई डंडा मार के तो नहीं बोल रहा है चलो एक्टिंग करो करनी पड़ेगी तुम्हें एक्टिंग कोई नहीं बोल रहा है ना ये हमने ये पाथ चूज किया है मैं देहरादून छोड़कर बंबई आई हूँ ये काम करने के लिए तो अगर ऐसा कोई काम मिलता है जहां इतने अच्छे लोग हैं इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं हंसते खेलते रहते हैं हम लोग काम करने को बोलते हैं तो आपको तो वहां पर एकदम बहुत ही नम्रता से काम करना चाहिए एंड फॉर अ पर्सन लाइक शहजादा हु इज गेटिंग सच अ बिग रोल तुम रातों रात जो है आपका नाम लोगों की जुबान पर आ चुका है आप इतने पॉपुलर हो गए एज दैट कैरेक्टर यू डूइंग अ ब्रांड शो यू डूइंग अ शो फॉर वन ऑफ द टॉप चैनल इन द कंट्री तो आपको तो खूब अच्छे से काम करना चाहिए सबको एक साथ लेकर काम करना चाहिए क्या ये नहीं कर रहे थे? जैसे सब लोग साथ में बैठ के गप्पे मारते थे वो बहुत रेयरली बैठता था हमारे बैठता था बट बहुत रेयरली दस दिन में एक बार हमारे साथ ऐसे बैठ जाएगा ऐसा जा नहीं हो सकता कि वो शायद ऐसा तो नहीं था वैन वी मैट हिम फोर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था एंड आई एम श्योर you know I mean देखिए हमारे producer हैं आप चाहे कितने भी बड़े हों as an actor अगर मेरे डायरेक्टर कोई भी हैं शायद भले ही वो मुझसे छोटे क्यों ना हो उम्र में वो मेरे सर होंगे हमेशा बिकॉज ही इज़ माई डायरेक्टर चाहे मैं कितनी भी बड़ी एक्टर हो जाऊँ या मैंने कितना भी ज़्यादा काम करा है उनके बनस्पत भले ही मैं उनसे बीस साल पहले इंडस्ट्री में आई हूँ लेकिन अगर कोई छोट जो सिर्फ तीन साल करके भी काम कर रहा है मेरा डायरेक्टर है वो उस समय तो वो मेरा सर है ही इज माई बॉस वो मुझे सौ बार बोलेंगे करने के लिए मुझे सौ बार करना पड़ेगा अगर वो खुश नहीं होंगे तो क्या वो राजन जी को एज अ बॉस नहीं ट्रीट करते थे

राजन जी ने उनके साथ डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया था कि मुझसे एक बार डिस्कस कर लेते वो तो मुझे पता नहीं बट आई एम श्योर दे मस्ट है फर्स्ट शेड्यूल से प्रोड्यूसर इफ हीज कम टू टॉक टू ऑल ऑफ अस इन अग डि

यू नो टू डू द शो वी हैव टू बिकॉज हम सब इस शो का हिस्सा हैं वी हैव टू स्ट्राइव टू टू मेक द शो एक्सेप्टेड बाई द ऑडियंस ताकि ऑडियंस हमें प्यार करें हमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू में सबको मेहनत करनी पड़ती है so, इसमें तो हमें हाँ नहीं थोड़े लॉन्गर आजाब को देना पड़ता है सो so, ऐसा नहीं है कि दैट यू नो सो दैट इज वॉट ऑलवेज राजन वुड कम एंड टॉक टू अस अबाउट कि यू नो अभी आई पी एल आने वाला है तो ये हमारे टी, टी आर पीज़ में यू नो you know, इसका इम्पैक्ट आएगा बिकॉज़ आई पी एल के समय लोग कम देखते हैं टेलीविज़न तो हम कौन अच्छा कैसे करें हम और कैसे मेहनत करें यू you नो know, एक्स्ट्रा आज देने पड़ेंगे या, या आज चैनल ने बोला है कि दस दिन के लिए आपके जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े लॉन्गर लेंथ के आएंगे और इन स्टाप्लास द टेलीकास्ट इज़ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ओनली नो तो सॉरी आई एम no, सो सॉरी Monday to Sunday Then Monday to Sunday Then Monday to Sunday It is that I think there is only one day When this is not And that is 31st of December New Year Eve Because at that awards are Which is fixed Since a very long time So we are coming every day 364 days In a, in a year We are there on tele On, 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 on Star Plus At 9.30 So राजन वुड ऑलवेज कम एंड एनकरेज आर्स एंड से वॉट इज योर प्रॉब्लम टेलर्स यू नो कुछ चीज़ है जो हम ठीक कर सकते हैं कुछ चीज़ है वुड एंड एज अ प्रोड्यूसर ही हैज़ ऑल द राइट्स टू यू नो गाइड अस एंड हेल्प अस बिकॉज वो करते आ रहे हैं एंड ही टेल टेलर्स कि देखो ये वाला क्षेत्र है उनका है सबको पता है कौन को किसको क्या क्या अच्छे से करना है अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो आप लोग प्लीज़ मेहनत करजिए एज एक्टर्स I request you all to give little extra hours. का सिचुएशन शहजादा ने कहा कि उनका म्यूजिक बज नहीं रहा था वो सिर्फ एयरपोर्ट लगा था कान में यहाँ मैं तो ये बोलती हूँ ठीक है लगा था बट ये उनको तो नहीं पता ना कि लगा था वो तो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं ना अगर मेरे मीटिंग है जिसमें सब एक्टर्स आए हैं जिसमें अनिता जी हुन हुनियर एक्टर अनिता राज जिनको हमने फिल्मों में देखा है वो जब वहाँ पर विद हम्बलनेस विद ह्यूमिलिटी, शी कैन कम एंड सिट एंड बी अटेंटिव कि मेरे प्रोड्यूसर वहाँ पर कुछ मीटिंग रखी है वो बात करना चाहते हैं यू नो टू हेल्प अस टू गाइड अस एंड एंड कैसे हम इसको और अच्छा करें तो वी हैव टू बी ऑल इयर्स टू हिम ना अब मैं वहाँ जाके अपने एयरपोर्ट में ऐसे रहूँ और यूं देखूँ इमीजिएटली शोज दैट आई एम डिसइंटरेस्टेड सो so, ये तो नहीं कर सकता कोई इंसान दिस इज नॉट गुड कॉन्डक्ट फॉर एनी बडी फॉर एनी वन एंड ओबियसली द प्रोड्यूसर इज फील दैट यू नो वॉट इज दिस मैंने मीटिंग बुलाई है और यहाँ पर ये एयरबोर्ड्स लेकर आए हैं और बैठे हुए हैं ऐसे अलग से दैट्स नॉट राइट शहजादा बहुत सारे टेक्स लेते थे अपनी एक सीन्स uh, के लिए देखो मतलब विद मी नॉट रियली नॉट रियली फ्यू ऑफ देम ही यूज टू यूज टू फंबल और समथिंग वो तो सभी लेते हैं वो या वी हैड वेरी गुड सीन्स विद हिम आई हैड वेरी गुड सीन्स विद हिम बट इट्स जस्ट दैट यू नो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर रहें अकेले आई बिलीव इन कलेक्टिव

इनफैक्ट शहजादा ने कहा कि जब वो थे वहाँ पे वो एक बार उठे नहीं जब राजन जी आए थे तो किसी ने आके उनसे बोला कि यार तुम्हारे प्रोड्यूसर आए उठो नहीं मुझे नहीं मालूम दिस आई डोंट नो पर ये ऐसा होता है इन जनरल आपको कभी बोला गया ऐसा बाबा हम तो अपने घर में जब हमारे बड़े आते हैं तो हम पैर छूते हैं ना अभी कोई जैसे अगर जैसे अनिता आई ऑलवेज गेट अप वी ऑलवेज गेट अप कि मैम आइए ना बैठिए जबकि उनका बॉय उनके चेयर ले आता है वो नेचुरली हमें सिखाया गया है ना हमारे संस्कार ऐसे हैं ना जो बड़ा आता है हम पैर छूते हैं बड़ा आता है हम नमस्ते करते हैं बड़ा आता है हम खड़े हो जाते हैं जब तक बड़ा चला नहीं जाता हम खड़े रहते हैं ऐसे ये हमें सिखाया है बचपन से ये हमारी परंपरा रह चुकी है और बहुत सुंदर परंपरा रह चुकी है जहाँ पे हमें हम्बलनेस जहाँ हमें रिस्पेक्ट करना आदर करना किसी का सम्मान करना सिखाया गया है रोहित पुरोहित आए हैं क्या वो एक वेलकम ट्रांजिशन रहा आपके लिए यस

या कंफर्टेबल फील करवाते हो दूसरों को तो चीज़ें अपने आप सुंदर तरीके से बॉन्ड करने लगती हैं क्या रोहित पुरोहित के आने के बाद सेट में लोग ज़्यादा हैप्पियर हैं ज़्यादा खुश हैं या पीपल आर हैप्पी नो डाउट अबाउट इट लोग ईजी uh, माहौल हो जाता है ना क्या होता है अगर कोई नाखुश है इंसान या जिसकी आपसे नहीं बन रही है आपसे नहीं बल्कि अगर पीपल आर नॉट हैप्पी बींग अराउंड हिम एंड दैन सडनली सम्बडी कम्स जो बहुत ईजी है बहुत सरल है बहुत अच्छा इंसान है यू you नो know? तो रिस्पेक्टफुल uh, है अपना काम शिद्दत से करता है मैं ये नहीं बोल रही हूँ शहजादा नहीं करता था बहुत अच्छा करता था मेरे और उसके बहुत सुंदर सीन्स हुए हैं बहुत सुंदर सीन्स हुए हैं यू you नो know, माँ बेटे के बहुत प्यारे आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट मुझे ऐसा लगता है हमें चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए एंड दिमाग में जब चीज़ें किसी की सर चढ़ जाता है ना तो फिर आप अपनी सुधबुद खो देते हैं आपको समझ ही नहीं आता नहीं। क्या सही है क्या गलत है एक एडवाइस आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, करना एक एडवाइस जो आप शहजादा को कहना चाहती हैं शहजादा को ही नहीं मैं आ, किसी भी एक्टर को कहना चाहती हूँ जो जो इस, इस रास्ते पर आया है जो अपनी शुरुआत कर रहा है जिसको मतलब अगर बहुत कमाल का शो मिल गया है तो एक हम्बलनेस होती है किसी चीज की रेफरेंस होती है काम की रेफरेंस होती है आप अपने काम को ग्रांटेड नहीं ले सकते Because ये बहुत शॉर्ट लिव्ड लाइफ है एज एन एक्टर आप बहुत जल्दी आपको लोग भूल जाएंगे आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तो लोग आप आपको देखेंगे भी नहीं क्या शहजादा और प्रतीक्षा एक रिलेशनशिप में थे यादा yeah, रेस्टर

उसका पहला शो था बहुत प्यारी लड़की है वो बहुत प्यारी लड़की है शी इज बीन होस्टेस एंड शी स्विच प्रोफेशन एंड शी केम इनटू एक्टिंग तो पहला शो था इनफैक्ट उसने पहला सीन मेरे साथ किया था प्रतीक्षा ने बहुत प्यारी लड़की है यू नो कमिंग फ्रॉम सिंपल बैकग्राउंड मराठी बैकग्राउंड एंड ब्यूटिफुल गर्ल तो uh, और उसके उस समय बहुत सीन्स हुए शहजादा के शुरुआत में तो एक बॉन्डिंग हो जाती है देखिए हो सकता है करेक्ट आप 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 अगर नौजवान हैं आप आप यू कैन हिट ऑफ आल्सो ना एज एज अ कपल और यू कैन आप ये भी हो सकता है कि चलो हो सकता है हमारा रिश्ता थोड़ा आगे बढ़े या एक डिफरेंट रिलेशनशिप की यू नो मोड पे चला जाए तो आई थिंक हमें तो सब यही था अफकोर्स देवर लाइक इन वे काइंड ऑफ डेटिंग इच अदर विच इज़ ट्रू एंड आई डोंट नो वाई ही डिनाइज इट इफ ही डिनाइज इट आई डोंट नो वाई एंड सो so, वो बहुत ही अलग अलग रहते थे दोनों एंड आई थिंक वो तो नहीं थी इस क्षेत्र में यू you ना know, तो उसको तो वो तो सीख ही रही थी सब चीज़ें उसको पता नहीं था बट बच्चा ज्यादा है डन आई थिंक अ फ्यू थिंग्स बिफोर दिस आई हैवन सीन अनफॉर्चुनेटली बट उसने किया था कुछ एक दो शोज़ किए हुए हैं उसने एंड हीज़ बीन इन द फर्निटी सो ही नोज़ बट आई डोंट नो वाई

नो वरीज वील वर्क ऑन दैट बट अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं देन दैट्स नॉट राइट दैट विल नॉट वर्क फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस दैट एपल नॉट न्यू आई मीन पीपल आर नॉट हैप्पी यू बीग अराउंड यू नॉट मेकिंग पीपल हैप्पी यू नो आप एक अच्छा माहौल नहीं क्रिएट कर रहे हैं इज नॉट द राइट थिंग फॉर एनी एक्टर टू डू दैट फॉर एनी एक्टर टू डू दैट ये आपका काम है ये आपकी पूजा है ये है जिसकी वजह से आप जाने जा रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आप जाने जाते हैं देर आर पीपल जो आपको फॉलो करने लगते हैं फैंस होते हैं आपके आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है देखिए पर्दे पर आ रहे हैं टेलीविजन पे आ रहे हैं You know, so you can't take things for granted, not at all. I I मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी एक्टर बनता है प्लीज़ अपनी चीज़ों को ग्रांटेड मत लीजिए बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कमाल के एक्टर हैं लेकिन घर में बैठे हुए हैं आप आप लकी हैं आप फॉर्चुनेट हैं कि आपको काम करने को मिल रहा है वो करने को मिल रहा है जो आप चाहते हैं करना जो आपका पैशन है जो आपका लव है दैट्स वॉट यू से राइट मैं तो ये बोलती हूँ ना एक्टिंग इज माई पैशन इट्स इट्स लव फॉर मी तो अगर उस लव को उस पैशन को मैं संभाल के नहीं रखती हूँ उसकी सेंटिटी बनाए नहीं रखती हूं उसकी इज्जत नहीं करती हूँ एज तो फिर ह्यूमन तो यू यो चीटिंग योर सेल्फ ना दूसरों को तो रहने दो चलो बट यू चीटिंग यूर सेल्फ वैन यू स्लीप हम लोग कितनी बार काफ़ी लोग होते हैं पढ़ते हैं किताब और फिर सोते हैं कितने लोग होते हैं दे थिंक अबाउट दे रिफ़्लेक्ट कि अच्छा मेरा दिन कैसा गया अच्छा मैंने क्या अच्छा किया अच्छा मैंने क्या बुरा किया क्या मुझे सीखना है क्या मुझे अनसीखा करना है ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं अरे मैंने उसको दुखी कर दिया अरे वहाँ पे मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था नहीं निकल जाके मैं उसे सॉरी बोलूँगा यू you नो know? और बोलूँगी या फिर आप ये सोचते हैं हाँ तो क्या हो गया यार वो कैर्स आई एम अ वेरी बिग एक्टर मैं बहुत फेमस हूँ मुझे सब जानते हैं मुझे थोड़ा ना कोई रिप्लेस करेगा नहीं एनी थिंग यू नॉट इनडिस्पेंसिबल यू नॉट यू नॉट थैंक यू सो मच श्रुति